हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की कक्षाओं में आप सबों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं छात्रगण, और कल की क्लास में जहां तक आपको छोड़ करके गए थे उसी क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। छात्रगण, आपने देखा था कल की क्लास में अधातुओं का अध्ययन, और अधातुओं के अध्ययन में अधातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि अधातुएं विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होती हैं कुछ एक धातुओं को छोड़ करके, और साथ ही कई गहन जानकारियां हमने ली थी। साथ ही साथ कल हमने अधातुओं के केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं का भी अध्ययन किया था, और उस केमिकल प्रॉपर्टीज़ के तहत में हमने पढ़ा था अधातुओं का वायु के साथ अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। आपने देखा था कि चाहे धातु हो या अधातु हो, दोनों ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, या अधातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो अधातु के ऑक्साइड बनता है। आपने यह भी देखा था छात्रगण कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, जिसको उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज हम लोग दो रिएक्शन और पढ़ेंगे अधातु का, और वो है अधातुओं का डायलूट अम्ल के साथ अभिक्रिया, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, और अधातुओं का जल के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले रिएक्शन पढ़ लेते हैं, अधातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, अधातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद द डायलूट एसिड, अधातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो ये अधातु होगा, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे। आपको जान करके बहुत मजा आने वाला है या अच्छा लगने वाला है कि अधातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। याद रखिएगा छात्रगण, अधातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब हो गया अधातु का, ये खत्म हो गया रिएक्शन, अधातु का जल के साथ अभिक्रिया। आपको जान करके ये भी बहुत मजा आने वाला है कि अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये पूरी कहानी है छात्रगण, जो कि हमने तनु अम्ल के साथ और जल के साथ अभिक्रिया को सीखा है। अधातु का जल के साथ अभिक्रिया में सीखे हैं कि अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, और तनु अम्ल के साथ हमने सीखा है कि अधातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये पूरी कहानी है छात्रगण, जिसको हम सबों ने इसके तहत में पढ़ने का प्रयास किया है। छात्रगण, हम उम्मीद करते हैं कि आप धातु और अधातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर अपनी कमांड बना पाने में कामयाब हो गए होंगे। आइए आपका स्वागत करते हैं, और केमिस्ट्री के अगली टॉपिक पर बॉन्ड चैप्टर लेकर के आ रहे हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बॉन्ड, उसकी बातें आप सबों के बीच में क्लास के अंदर में करेंगे। ये टॉपिक खत्म हो गया। चैप्टर होगा आपका बॉन्ड, जिसको बोलते हैं बंधन। देखिए, पूरी जो टॉपिक है छात्रगण बंधन का यानी कि बॉन्ड का, वो टॉपिक कहता क्या है ये आपको सबसे पहले समझने की आवश्यकता होगी। देखिए, जब हम बंधन टॉपिक की बात करते हैं, बॉन्ड चैप्टर की बात करते हैं, तो कई तरह के बॉन्ड हैं, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपको सिर्फ दो ही बॉन्ड हम पढ़ाएंगे। बॉन्ड तो बहुत सारे बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो कई तरह के बॉन्ड हैं, लेकिन बॉन्डों में सिर्फ एक बॉन्ड आपको दो बॉन्ड पढ़ना है, एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। इसे विशेष कभी आज तक न पूछा है, ना कभी पूछेगा। बंधन क्या चीज़ होता है? सबसे पहले इस बॉन्ड का मतलब क्या होता है ये आपको समझना है।
जब बॉन्ड की बात करते हैं, बंधन की बात करते हैं, तो कोई भी दो तत्व मिलकर के यौगिक बनाते हैं। सपोज किया कि एक यौगिक का नाम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, ये एक यौगिक बन गया Na और Cl मिलकर के। ये सोडियम और क्लोरीन के को पकड़ने के लिए, जो इसको पकड़े हुए हैं, जो इसको जोर से पकड़े हुए है, किसके किसके थ्रू, किस चीज के थ्रू ये दोनों आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, जो चीज से ये दोनों आपस में एक दूसरे पर खिंचाव पैदा किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, उसी चीज को हम सब छात्रगण बॉन्ड कहते हैं, यानी कि बंधन कहते हैं। बस समझ में आ गया एकदम अच्छी तरह से, वो एकदम इसमें ये दिमाग में रखिएगा। अब सवाल उठता है कि सबसे पहले बंधन में ले लीजिए, सबसे पहला बंधन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। इसको दो नाम से जाना जाता है छात्रगण, चाहे तो इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं या इसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, इनको दो नामों से जाना जा रहा है, बॉन्ड यानी कि बंधन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। इसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत सह संबंधी बंधन या आयोनिक बॉन्ड। आप इंग्लिश में याद रख लीजिए, आपके लिए कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। सवाल उठता है, सबसे पहला प्रश्न यहां पर यही उठेगा छात्रगण, कि इन बंधनों का निर्माण होता कैसे है, ये बंधन बनते कैसे हैं, ये सबसे पहले बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, इन बंधनों का निर्माण तब होता है जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। एक एग्जाम्पल देखिए, यहां पर हम ले लेंगे सोडियम क्लोराइड, दैट इज द NaCl। ओके, सोडियम के बारहवीं कक्षा में ये एक कंपाउंड ले लिए हैं। देखिए, सोडियम के बारहवीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन। चूंकि आपको मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाता है, जो बारहवीं कक्षा में मौजूद रहता है। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सात है, तो दो दो चार दो छः और एक सात। इसकी परमाणु संरचना क्या है, दो आठ एक की, और इसकी परमाणु संरचना कितनी है, दो आठ सात की। अब देखिए, ये स्वेच्छा से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है। देखिए, जैसे ही ये छोड़ेगा, आप क्या करिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो सोडियम के पास अब कितना हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा दो आठ। देखिए, अंतिम कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गया मेरा, और इसके पास भी अंतिम कक्षा में कितना हो जाएगा, दो आठ आठ। देखिए, अंतिम कक्षा में दोनों के अंतिम कक्षा यानी कि जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है उसमें आठ आठ इलेक्ट्रॉन आ गया, अर्थात सोडियम भी स्टेबल हो गया और क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। लेकिन इस बीच क्या हो गया कि ये जो एटम था वो आयन बन गया। आयन कैसे बना, कि इस सोडियम पर प्लस चार्ज हो गया, चूंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो प्लस चार्ज होगा, और जो ग्रहण करता है उस पर माइनस चार्ज होता है। जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना माइनस। तो जहां पर ऐसी परिस्थिति हो कि एक देने वाला रहे और एक लेने वाला रहे, इन स्थितियों में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड का निर्माण होता है छात्रगण। यानी अब किस निष्कर्ष पर पहुंचे, आप पहुंचे कि सर निश्चित रूप से यह तय माना जाएगा कि आयनिक बंधन के निर्माण में, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के निर्माण में एगो धातु रहेगा और एगो अधातु रहेगा। तो परीक्षा में आपको बना के भी देखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली दिमाग लगाइए, एक धातु है, सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, बन गया, कौन सा इसमें बॉन्ड बनेगा जी, तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। परीक्षा में यही क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित में से दिए गए यौगिक में किस बंधन का निर्माण हो रहा है, किस बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। तो बहुत आसान तरीके से ऐसी चीजों को हम सब सीख पाने में कामयाब होते हैं छात्रगण। चलिए, लैंग्वेज लिखने की बारी है, डैश जगह के लैंग्वेज लिखिए, हेडिंग टॉप हेडिंग क्रिएट कीजिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड का, और उसके बाद उसका लैंग्वेज लीजिए, फिर ये वाला एग्जाम्पल उतार लीजिएगा, ये एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। लिखिए, इस बॉन्ड के निर्माण में, इस बॉन्ड के निर्माण में एक परमाणु, इस बॉन्ड के निर्माण में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है जबकि दूसरा परमाणु इस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है।
जबकि दूसरा परमाणु इस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, को ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। जिन यौगिकों में ग्रहण कर लेता है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, जिन यौगिकों में ऐसी घटना घटती है, जिन यौगिकों में ऐसी घटना घटती है, जिन यौगिकों में ऐसी घटना घटती है वहां पर घटती है, वहां पर आयनिक बंधन का निर्माण होता है, वहां पर आयनिक बंधन, आयनिक बंधन, आयनिक बॉन्ड, वहां पर आयनिक बंधन, आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। जिन परमाणुओं में ऐसी घटना घटती है वहां पर आयनिक बंधन का निर्माण होता है। फुल स्टॉप कर दीजिए। ये पूरी कहानी थी छात्रगण आयनिक बंधन के रिस्पेक्ट में। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल लिख लीजिए, इनिशियल लिख करके इस तरह जो चित्र बनाए हैं पूरी तरह चित्र के आप देख, यहाँ पर यह भी सीखिएगा कि किस प्रकार से एक परमाणु आयन बनता है, किन स्थितियों में एक एटम आयन का रूप लेता है, ये भी आपको सीखने की आवश्यकता है। आप एन ए पे प्लस चार्ज क्यों आया, इस पर माइनस चार्ज क्यों आया, ये आप बखूबी समझते होंगे। और उसके बाद इस बॉन्ड को पहचानने के लिए यहाँ पर सीधे सीधे एक ट्रिक लिख देते हैं, और ये ट्रिक भी जरूर से लिख लीजिएगा। पहले ये वाला एग्जांपल उतार लीजिए, उसके बाद ट्रिक लिख लीजिएगा। तो बेसिकली ये किस प्रकार की कहानियां चलती हैं आपको समझना चाहिए। ट्रिक लिखिए, दिए गए यौगिकों में यदि एक धातु हो तथा एक अन्य अधातु हो, एक धातु हो तथा दूसरा एक अन्य अधातु हो, तो ऐसे यौगिक, एक धातु हो और एक अधातु हो, तो ऐसे यौगिक आयनिक बंधन का निर्माण, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो ऐसे यौगिक आयनिक बंधन, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो ऐसे यौगिक आयनिक बंधन का निर्माण करते हैं। तो एक ट्रिक एकदम याद रख लीजिएगा, एक तो आपका हो जाएगा मेटल और दूसरा हो जाएगा नॉन मेटल, और कहानी खत्म कर दीजिएगा, और बनाने के लिए जरूर सीख जाइएगा छात्रगण, ठीक है ना। दूसरी बात, आप बोलिएगा सर नहीं सर बॉन्ड जो है हम लोग को सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से दिखता है। आयनिक बंधन की जब बात करते हैं तो आयनिक बंधन में ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, बस बॉन्ड बताना होता है कि हाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा। इसके बाद वाला जो बॉन्ड पढ़ेंगे उसमें ये बॉन्ड आपको दिखाना पड़ेगा, जिसकी चर्चा अभी हम जस्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड में, यानी कि सहसंयोजी बंध में। तो दूसरे तरह का बॉन्ड इसको पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टीज। पहले इसका प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग वहां पर क्रिएट कीजिए, इलेक्ट्रो प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसकी बातें करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे छात्रगण, ठीक है ना। चलिए जस्ट इन द मिक्सिंग, हाँ चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड, दोनों हम कई बार बता रहे हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलिए या आयोनिक बॉन्ड बोलिए, सब एक ही तरह का होता है। लिखिए टास्क देख करके, नंबर पहला या बुलेट लगा करके जैसे भी लिखना है जैसे लिखना है ना। आयनिक बंधन यानी कि आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक यौगिक प्रायः क्रिस्टलीय ठोस हैं। एकदम इस बात को याद रखिएगा कि आयनिक यौगिक प्रायः क्रिस्टलीय ठोस हैं, ठोस है और वो भी एकदम क्रिस्टल के रूप में, ये याद रखना है। तो आयनिक यौगिक प्रायः क्रिस्टलीय ठोस हैं, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलीय ठोस हैं। नीचे बुलेट, आयनिक यौगिक के उच्च मेल्टिंग पॉइंट और उच्च बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जो भी आयनिक यौगिक बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। आयनिक यौगिक के उच्च मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं।
एक एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें, मेल्टिंग पॉइंट इसका सोडियम क्लोराइड का NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। यू कैन इमेजिन छात्र गण कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका NaCl का मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिएगा, NaCl का बीपी देखिएगा, तो भी इसका है 1413 डिग्री सेंटीग्रेड। और आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना उच्च मेल्टिंग पॉइंट, और ये एग्जांपल के रूप में आपको लिख लेना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड में सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है कि ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये बॉन्ड के कंपाउंड क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टल ठोस होता है। और साथ ही साथ हमने पढ़ा है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस स्तर की होती है, यानी कि बहुत बहुत उच्च होती है। नीचे डैश, आयनिक यौगिक, जो इसका सबसे मेन क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक प्रायः जल में विलय होते हैं, मतलब जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक प्रायः जल में विलय होते हैं, विलय होते हैं। बस सिंपल दिमाग लगा कीजिए, सोडियम नमक है NaCl, तो नमक पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा, यानी कि जब एक घुलेगा तो सब घुलेगा। तो सीधे दिमाग में रख लीजिएगा कि आयनिक यौगिक जितना भी रहेगा सब जल में घुल जाएगा। परीक्षा में एक क्वेश्चन वहां से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जल में विलय है, कौन जल में विलय नहीं है, ये सबसे क्वेश्चन आता है। पीछे डायरेक्ट के लैंग्वेज लिखिएगा छात्रगण, ये यौगिक कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक मतलब जो कार्बन से बना हुआ है, तो ये यौगिक कार्बनिक यौगिक जैसे ईथर कॉमा देखे एसीटोन, सब में आपका ये कार्बन है, ईथर एसीटोन एसीटोन कॉमा लगाइए अल्कोहल कॉमा देकर के किरोसिन कॉमा देकर के CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 आदि में नहीं घुलते हैं, CCl4 आदि में नहीं घुलते हैं। ठीक है ना, एकदम याद रखिएगा कि ये कार्बनिक यौगिक जितना लिखा, CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन है आपका, एसीटोन क्या है कार्बन है, ईथर क्या है कार्बन है, इन सब में ये नहीं घुलता है और जल में ये क्या होता है, घुलनशील होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट इसका लाइन है, क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन होगा कि आयनिक बंधन निम्नलिखित में से किसमें घुलनशील होते हैं, पूछेगा आयनिक बंधन निम्नलिखित में से किसमें घुलनशील होते हैं, तो भाई ये जल में घुलनशील होते हैं, कार्बनिक यौगिक में घुलनशील नहीं होता है। अजस्ट को वैलेंट वाला हम क्या देखिएगा कि जल में अघुलनशील रहेगा और अकार्बनिक यौगिक में घुल जाएगा, ये तो सिंपल नियम चलता है हम लोग का, एक इधर सपोर्ट करता है तो एक इधर सपोर्ट करता है। नीचे डैश दे करके आयनिक यौगिक विद्युत का परिचालन करते हैं। ऑब्वियसली आप देख लीजिए कि एक में प्लस और एक में माइनस, चूंकि आयन बन जाता है, दोनों ऑपोजिट आयन बनते हैं, एक में पॉजिटिव आयन बनता है एक में नेगेटिव, तो जहां दो आवेश नेगेटिव और पॉजिटिव होगा वहां तो करंट फ्लो होगा ही होगा। डाल देकर के आयनिक यौगिक विद्युत का परिचालन करते हैं, आयनिक यौगिक विद्युत का परिचालन करते हैं, विद्युत का परिचालन करते हैं, कब करते हैं, जब वे जल में घुलनशील होते हैं तो उसमें करंट फूल जाएगा। ये कहा जाता है कि पानी में नमक मिला दो, पानी में अगर आप नमक मिला दीजिए तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा, क्योंकि देख लीजिए एक Na प्लस में टूट जाएगा और Cl क्या होगा, माइनस में टूट जाएगा, जब वे जल में घुलनशील होते हैं। डायरेक्टली अगर नमक में आप करंट फ्लो कराइएगा तो करंट नहीं मारेगा, उसी को जल में घुला दीजिए तो करंट फ्लो हो जाएगा। तो याद रखिएगा छात्रगण, आयनिक यौगिक विद्युत का परिचालन करते हैं जब वे जल में घुलनशील होते हैं। तो आपको 1, 2, 3, 4 पॉइंट लिखा है, चारों पॉइंट को आप एकदम आत्मसात करके रखिएगा कि आयनिक बंधन यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है और ये प्रॉपर्टीज कितने लाभप्रद हैं और किन किन रूपों में ये प्रयोग किए जाते हैं। अब चलिए आपको आज की सेकेंड क्लास पे लेके चलते हैं इसमें, और बॉन्ड का सेकेंड बॉन्ड पढ़ते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड।
और बहुत ही अच्छी तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। छात्रगण, हम उम्मीद करेंगे कि आप कोवैलेंट बॉन्ड भी बहुत अच्छा से सीख जाएंगे। सहसंयोजी बंधन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिस प्रकार से आपने सीखा, अब हमारी बारी है आपको कोवैलेंट बॉन्ड से आपका रूबरू करवा दे, कोवैलेंट बॉन्ड से आपका परिचय करवा दे। मेरे पास वक्त है, सब कुछ है, परिचय करवा देंगे। तो नेक्स्ट बॉन्ड हम पढ़ेंगे, बॉन्ड का सेकेंड बॉन्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड हिंदी में इसको कहते हैं छात्रगण सहसंयोजी बंधन, उसको बोला जाता था विद्युत सहसंयोजी, इसको केवल सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन, देखिए सबसे पहले कंसेप्ट इसका जो कुछ भी है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो हमको पढ़ने के लिए इसमें सीखना है वो ये है कोवैलेंट बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कि मुझे सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन चाहिए कि हम देखते हैं सब परीक्षा में एक ही क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंधन बन रहा है, यौगिक का नाम दे देगा और पूछेगा कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो हमें सबसे पहले ये बॉन्ड सीख लेना है कि फलाना में कौन सा बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। बहुत आसान है छात्रगण, सबसे पहला बात आपने आयनिक बंधन के रिस्पेक्ट में देखा, आयनिक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखा कि एक धातु है और दूसरा क्या है, अधातु है। एक धातु है और दूसरा क्या है, अधातु है, यानी वहां पर एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता था और एक ग्रहण करता था, यहां पर दोनों ग्रहण करने वाला होगा। मतलब दोनों जो तुम्हारे होंगे, दोनों जो आपके होंगे, वो दोनों जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या एक त्याग करेगा दूसरा ग्रहण करेगा, दोनों एक साथ म्यूचुअल कंसेप्ट अपनाता है। सीधे सीधे आपको हम सीधे एक कंपाउंड के बनने पर लेके चलते हैं और सीधे सीधे आपको इसको पूरा करके दिखाते हैं। जैसे CH4 का बनना, CH4 का बनना, ठीक है ना, मिथेन का बनना, इसका नाम मिथेन है, मिथेन का बनना। अब आप देख लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन का, देख लीजिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 6, तो 2 वैलेंस, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माने अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, 4 है, 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन का 4 गो हाइड्रोजन है तो 1, 2, 3 और 1, 4। हाइड्रोजन का कितना होता है बारहवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, बताए थे अपवाद है, हाइड्रोजन को अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चाहिए 2। देखिए हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है, ले लिया हाइड्रोजन 2 ले लिया, फिर हाइड्रोजन देखिए इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया 2 हो गया, फिर हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया 2 हो गया, फिर हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया 2। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, पूरी तरह से हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब कार्बन को बैलेंस होना है तो देखिए कार्बन क्या करेगा, कार्बन कितना चाहिए अंतिम कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देखिए कार्बन क्या, कार्बन फिर इससे ले लेगा, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, यानी कार्बन का देख लीजिए ये 8 हो, ये 8 यहां से कार्बन ले लेगा। आप आसानी से देख सकते हैं छात्रगण कि हाइड्रोजन भी आपको बैलेंस हो गया और कार्बन भी बैलेंस हो गया, मीन्स स्टेबल हो गया, और जो कंपाउंड बना इस केस में। दूसरी बात, इसको दिखाने के लिए आपको एक काम और करना पड़ता है जो सबसे अहम काम है। अहम काम क्या है भाई, कि इसको बनने के लिए एक दूसरे से कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो आप देखिएगा कि हाइड्रोजन जो है कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया और कार्बन भी हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया। तो इसको दिखाने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक बॉन्ड, देखिए ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हैं ना, वो एक एक बॉन्ड इसको दिखा दिया जाता है, बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड 2, बॉन्ड 3 और बॉन्ड 4, अर्थात सिंगल बॉन्ड बनेगा। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है इसलिए इसमें सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा, इस प्रकार कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं छात्रगण की कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करना आपने सीख लिया होगा। एक ही लाइन का यहाँ कंसेप्ट है कि इस बॉन्ड के निर्माण में दोनों परमाणु एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, वो भी देता है, तुम भी देते हैं, वो भी लेता है, ये भी देता है। दोनों बातें आप याद रखिएगा, लिखे डैश दे करके लैंग्वेज ऑफ रिक्शा लिखा देते हैं, लिखे इस बॉन्ड के निर्माण में दोनों परमाणु, इस बॉन्ड के निर्माण में दोनों परमाणु एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करते हैं नीचे डैश, ये पहले एग्जाम्पल उतार लीजिए।
चित्र को उतारने के बाद नीचे बुलेट लगा के लिखिएगा छतकिन, सहसंयोजी बंधन के निर्माण में, लिखा हुआ सहसंयोजी, सहसंयोजी बंधन के निर्माण में, सहसंयोजी बंधन के निर्माण में यदि एक इलेक्ट्रॉन का, सहसंयोजी बंधन के निर्माण में यदि एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ हो, यदि एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ हो तो वहां पर एकल बंध का निर्माण होता है, सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है, तो वहां पर सिंगल बॉन्ड का एकल बंध का निर्माण होता है। क्लियर? नीचे बुलेट, सहसंयोजी बंधन में यदि दो इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, दो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो वहां द्विबंध, जिसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को दिखाइएगा कैसे, ऐसे करके, तो वहां द्विबंध, द्विबंध सॉरी, वहां द्विबंध डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, वहां डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, फुल स्टॉप नीचे डैश। और यदि तीन इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो, तीन से ज्यादा नहीं हो पाता है छात्रगण, यह भी याद रखिएगा, और यदि तीन इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो, यदि तीन इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिकबंध, इसको बोलते हैं त्रिकबंध, त्रिकबंध इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, टी आर आई पी एल ई, ट्रिपल बी ओ एन डी, बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो वहां त्रिकबंध, एक दो तीन त्रिक, वहां त्रिकबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनता है, वहां त्रिकबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनता है। छात्रगण, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कहानियां हैं जिसको आपने इस रिस्पेक्ट में देखने का प्रयास किया है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इसके रिस्पेक्ट में आपको यह बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए छात्रगण कि किस आधार पर आयनिक बंधन के दौरान में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। सिंगल का एग्जांपल दे लिए थे, आइए और आपको कुछ और एक एग्जांपल करवाते हैं इसमें। अनदर एग्जाम्पल लेंगे छात्रगण, जहां पर हम सब इसके और भी कई कहानियां कहते हुए नजर आएंगे, जिसकी बातें हम सब करेंगे, और वो कहानियां होंगी आपका अनदर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं और, चलिए लेते हैं C2H2 का बनना, C2H2 का बनना, ये एसिटिलीन है C2H2, दो कार्बन है, दो कार्बन है और दो हाइड्रोजन है, यही ना है कहानी। कार्बन में चार होता है, चार इसको बैठा लीजिए पहले, है ना, चार, एक दो तीन चार, हाइड्रोजन का एक होता है, कार्बन का चार होता है, एक दो तीन चार, हाइड्रोजन का एक हो गया। चलिए पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, इससे ले लिया, यहाँ भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम लोग किसको करना है, कार्बन को बैलेंस करना है। देखिए कार्बन को बैलेंस कैसे करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, और तीन कहाँ से लेगा, ये वाला तीन ले लेगा, एक दो तीन आठ, वो हो गया ना। खाली लिखने के लिए तरीका थोड़ा सा अच्छा सा हो जाना चाहिए ताकि सुंदर फिगर लगे, एक दो तीन, यहाँ भी जो तीन लिए हैं उसको इधर ना लेकर के यहाँ ले लेंगे, एक दो तीन, ताकि थोड़ा सुंदर लगता है देखने में, है ना। हाइड्रोजन का दो हो गया, आप देखिए तीन अ दो पांच, और तीन कितना हो गया आठ, तीन अ दो पांच और तीन आठ हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन को हो गया, फिर यह क्या करेगा, तीन और तीन छह अ दो कितना हो गया आठ। आप इस दरमियान में आप देख पा रहे हैं छात्रगण कि कार्बन और कार्बन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, तो आप देखिएगा सर कि तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, अर्थात जब एसिटिलीन का निर्माण होगा तो कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, और कार्बन और कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड कितना बनेगा, सिंगल बॉन्ड।
तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको देख करके समझ सकते हैं छात्रगण कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का निर्माण बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो आपको उम्मीद करते हैं छात्रगण कि पूरी टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और भी कई इसके एग्जांपल लिए जा सकते हैं छात्रगण। आइए एक और एग्जांपल आपको दिखला देते हैं ताकि और आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया ना, देख लीजिए, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का जब शेयर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो दो बॉन्ड आपका बनेगा। और ये तमाम प्रक्रियाएं कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक सभी के लिए ये लागू होता है छात्रगण, ये भी बातें आपको याद में रखना चाहिए। अनदर एग्जांपल देखिए, C2H6 का बनना, चलिए यहीं कर लेते हैं C2H6 का बनना, और एग्जांपल ले लेते हैं C2H6 का बनना। कार्बन दो गो है, हाइड्रोजन छः छः ठो है, एक दो तीन, एक दो तीन, इसके पास चार है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक, हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर लिए, बैलेंस हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब देख लीजिए कार्बन को अब लेना है, कार्बन के पास पहले, अब देखिए कार्बन के पास दो दो चार दो छः, इससे ले लेगा कितना हो जाएगा इसका, तो इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा हम लोग को चालाकी अपनाना पड़ेगा। क्या अपनाना पड़ेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन रखे हैं इसको यहाँ ले लेंगे, यहाँ पर ऐसे करके ले लेंगे तो हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं हम लोग कर लेंगे। तो दो दो चार दो छः एक सात, यहाँ कितना हो गया सो देख लीजिए, दो दो चार दो छः एक सात, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से ले लेंगे तो आठ हो जाएगा, चार पाँच छः सात और एक आठ हो जाएगा ना, चार तीन सात और एक आठ, तो देख लीजिए यहाँ क्या हो जाएगा। देख रहे हैं कितना बॉन्ड हुआ बताइए हमको, एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन, आठ हुआ ना कार्बन का, दो दो चार दो छः दो आठ, तो कितना हो गया देखते हुए चलिएगा, एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ। फिर यहाँ भी देख लीजिए, दो दो चार दो छः दो आठ, तो जो चित्र मेरा बन के आया वो कार्बन कार्बन सॉरी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन के बीच में चार, एक दो तीन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो कार्बन बॉन्ड एक हुआ था। कोई भी एलिमेंट लेकर के आप इसको दिखा सकते हैं छात्रगण, जिसको आपको समझना चाहिए। क्लियर हो गया ना, ये सिंगल बॉन्ड पहले भी बताए थे, एक और एग्जाम्पल बता दिए, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। C2H4 का बनना, C2H4 का बनना। अब आइए इथिलीन इसको कहते हैं छात्रगण, इथिलीन को देख लेते हैं कैसे बनेगा, आइए देख लेते हैं। कार्बन कार्बन दो ठो कार्बन का, हाइड्रोजन चार गो है, एक एक हाइड्रोजन दे देते हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ सॉरी एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। कार्बन का चार गो पहले बैठा लीजिए हम लोग को, है ना, दो तीन एक चार हो गया ना, दो एक तीन एक चार, इसका तो एक बेचारा का होता है, एक एक दे दीजिए हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना दो ठो लेकर के बेचारा बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हमको कार्बन को बैलेंस करना है, तो कार्बन पास देख लीजिए कितना है, दो दो चार दो छः, इसे दो ठो ले लेगा तो कितना हो जाएगा, आठ हो गया, हो गया। अब इसके पास भी कितना है, दो दो चार दो छः, इससे दो ले लेगा, तो बताइए जब C2H4 का निर्माण हुआ, अब देखिए इस कार्बन के पास आठ होना चाहिए तो दो दो चार दो छः दो आठ, इस कार्बन के पास आठ होना चाहिए तो दो दो चार दो छः दो आठ, तो यानी कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, और हाइड्रोजन जो इसमें चार को लगा हुआ उसके बीच कितना बॉन्ड बनेगा, तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ऐसे भी छात्रगण आपको याद रखना है, और क्या याद रखना है कि हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड ही बनता है,
बॉन्ड का जो ट्रांसफर और चेंजेस जो होता है वो कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो चाहे तो डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा या सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो जो चेंजेज होता है वो सिर्फ कार्बन के बीच में होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक, इसको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो करते करते आपका खुद भी हैंडी हो जाएगा, ये सब करते करते आप खुद सीख जाइएगा। एग्जाम में बस यही क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से C2H4 में कौन सा बंधन बन रहा है, तो सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब कोवैलेंट बॉन्ड में पूछ देता है कि इसके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में कितना प्रकार का बॉन्ड बनेगा, कौन सा बंधन बनेगा। ये जब तक आपका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप इसमें परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं छात्रगण। ये क्लियर हो गया एकदम अच्छी तरह से। और अगर एग्जाम्पल बोलते हैं तो और एक आध एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा देते हैं, कोई बात नहीं है। तो आप उम्मीद करते हैं छात्रगण कि पूरी तरह से आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता हुआ नजर आता है। आयनिक बंधन में हमने देखा था कि आयनिक बॉन्ड के निर्माण में दोनों तरफ से आदान प्रदान नहीं होता है, एक ही तरफ से आदान प्रदान होता है, ये भी आपने देखा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और इसकी बातें करते हैं। लेते हैं एक एग्जाम्पल N2 का बनना, नाइट्रोजन है, N2 का बनना, N और N, N की परमाणु संख्या कितनी होती है, 7, 2, 5, यानी 5 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी 5 होगा, 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए 3 और 2 5 और 3 8, इससे 3 ले लेगा, 8 हो गया, इस नाइट्रोजन भी पास 8, 3, 2, 5 और 3 8। आप इजी देख सकते हैं छात्रगण कि इस नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बना, ये ट्रिपल बॉन्ड बना। जितना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से लेगा उतनी बॉन्ड की निर्माण हो जाती है, उतनी बंधन की निर्माण हो जाती है। एक और निष्कर्ष पर आपको पहुंचना चाहिए छात्रगण, आपने देखा होगा कि सर हर एक स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो भी यौगिक में पार्टिसिपेट कर रहा है वो दोनों का दोनों अधातु है। देख लीजिए नाइट्रोजन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, दोनों नॉन मेटल्स हैं। अर्थात ये क्लियर होगा कि अधातु जब रहेंगे, मेरा ट्रिक हो जाएगा कि अगर अधातु दोनों रहा तो सीधे सीधे उसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ससंयोजी बंधन बनेगा। तो डैश दे करके नोट लिख लीजिए, संजय सर की ट्रिक यहाँ पर लागू कर दीजिएगा, तो आपको क्या होगा, इतना बना कर भी देखने की जरूरत नहीं होगा। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आएगा कि N2 में कौन सा बंधन बन रहा है तो आप किंचित मात्र का भी नहीं सोचेंगे और सीधे सीधे लिख देंगे कि N2 में ससंयोजी बंधन का निर्माण हो रहा है। ट्रिक लिख लीजिए, सहसंयोजी बंधन में दोनों तत्व अधातु होते हैं। ये बहुत बड़ी बेंचमार्क है छात्रगण, अगर इस क्वेश्चन की बात करिएगा तो आप इधर देख सकते हैं कि इस साइड में आपने जो आयोनिक बॉन्ड देखा, आयोनिक बॉन्ड में एक धातु एक अधातु रहता था, इसमें दोनों अधातु रहेगा। तो बहुत ही जबरदस्त मजा आपको आया होगा आज की टॉपिक में छात्रगण, आपने देखा कि किस प्रकार से बहुत आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ट्रिक लिख करके लिख लीजिए, सहसंयोजी बंधन के निर्माण में दोनों तत्व अधातु होते हैं। और वो एकदम याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण बनता है। हालांकि इसके बहुत डेप्थ हैं, फिर बॉन्ड लेंथ है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो सब आपको नहीं पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में, इसलिए हम उतनी डेप्थ आपके बीच में नहीं जा रहे हैं छात्रगण। ठीक है ना, ये पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक में। अब इसके बाद में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे कोवैलेंट बॉन्ड का, तो आइए आपको लेके चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड में। सॉरी, तो छात्रगण आपने आज की क्लास में बॉन्डों का आइडेंटिफिकेशन देखा, किस प्रकार से बंधन एक दूसरे से पहचान अपना रखते हैं, और साथ ही साथ आपने देखा कि किस प्रकार से इन बंधनों के प्रॉपर्टीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। कल की क्लास में हम लोग सहसंयोजी बंधन के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे कि इसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं। तो कल की बातें कल की क्लास में करेंगे, आज की बातें यहीं तक। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सब्बा खैर, बाय।